मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में मोर पंख से संबंधित कुछ अच्छी और लाभदायक जानकारी दूंगा कि मोर पंख हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, कितनी खुशियां लाने वाला है और कितने दुखों को मोर पंख जो है दूर करने में हमारी सहायता करते हैं। मेरा यह जो संकलन है आध्यात्मिक किताबों और कुछ इंटरनेट पर जो मैंने अच्छे अच्छे लेख लिखे देखे हैं उनके ऊपर आधारित है। धार्मिक लेख आदि लिखने वाले विद्वान संतों की वाणी पर भी यह जो बात है निर्धारित है। मैंने बहुत से मोरपंख के लिए जानकारियां शास्त्रों से भी जुटाई। ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये जो मोरपंख है इसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में धारण किया था, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मोर पंख हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, सुख में बढ़ाने में और दुख को कम करने में कैसे हमारी सहायता करते हैं, इसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप केवल मेरे को रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं या कोई ज्योतिषीय एक सवाल भी पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मोर पंख की क्या उपयोगिता है और कैसे हमारे जीवन में ये सुख में वृद्धि और दुख को दूर करने के लिए उपयोग में हम ला सकते हैं। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि मोर पंख हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। देवराज इंद्र को मोर पंख का सिंहासन भाता था, इसलिए देवराज इंद्र का जो शासन सिंहासन है वह मोर पंखों से बना हुआ रहता है या उनको मोर पंख से सजाया जाता है। यहाँ तक कि पौराणिक काल में महर्षियों ने, जो ऋषि मुनि महर्षि हुए, संत ऋषि हुए, उन्होंने मोर पंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर डाली। तो इन उदाहरणों से यह साबित होता है कि मोर का जो पंख होता है हमारे लिए कितना पवित्र और महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही मोर के पंखों का जो है इस्तेमाल कई तरह से कई कामों के लिए भी किया जाता रहा है। मोर के पंख के कुछ खास उपाय या इनका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, आपकी परेशानियां कैसे इससे आप दूर कर सकते हैं, यह मैं बता रहा हूं। पहला जो है यह है कि मोर का जो पंख है इस्तेमाल करके आप भूत बाधा, नज़र दोष, रोग आदि, ग्रह दोष, वास्तु दोष जैसी अनेक छोटी बड़ी समस्याओं से हमेशा के लिए आप छुटकारा पा सकते हैं मोर पंख का सिर्फ उपयोग करके। दूसरा है, मोर पंख किसी भी स्थान को बुरी शक्तियां और प्रतिकूल चीज़ों के प्रभाव से बचाकर रखने की क्षमता भी मोर पंख में होती है, इसलिए मोर के पंखों को घर में लगाना चाहिए जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तीसरा है, नव ग्रहों की खराब दशा से बचने के लिए भी मोर का पंख आपकी मदद कर सकता है। घर में अलग अलग स्थान पर मोर का पंख रखने से घर का जो वास्तु दोष होता है वह भी दूर हो जाता है। चौथा है, मोर का पंख पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। विद्यार्थी पुस्तकों के बीच में अभिमंत्रित मोर का पंख रखकर लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा मंत्र सिद्धि के लिए जपने वाली माला को
मोर के पंखों के बीच रखना भी हमेशा लाभदायक रहता है। यानी कि आप जो रोज़ाना माड़ा करते हैं उसको आप माड़ा करने के बाद में मोर पंखों के बीच में रख दें तो आपकी माड़ा में भी शक्ति आ जाएगी और वह शुद्ध रहेगी। पांचवा है, घर के दक्षिण पूर्व कोण में मोर का पंख लगाने से घर में बरकत होने लगती है। घर से सदस्यों की जो अचानक से आने वाले किसी भी कष्ट से वह मोर पंख रक्षा करती है। कब? जब दक्षिण पूर्व के कोने में मोर पंख लगाई जाए तो अचानक जो घटनाएं घटती है घर में उससे बचाव होता है। छठा है, मोर पंख का उपयोग रोगों के इलाज के लिए भी किया जाता है। मोर के पंख से तपेदिक, दमा, लकवा, नजला या बांझपन जैसे रोगों का इलाज भी किया जा सकता है। सातवां है, मोर के पंख और सांप के बीच में दुश्मनी है, इसलिए मोर का पंख घर में रखने से सांप घर में प्रवेश नहीं करता है। इसके अलावा मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तर पूर्व दिशा में या उत्तर पश्चिम दिशा में भी आप अगर मोर का पंख लगाएंगे तो यह जो है राहु के दोषों का निवारण भी करते हैं। जिनकी कुंडली में राहु अशुभ स्थिति का होता है, अशुभ फल देने वाला होता है, उनको अपने घर के उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में मोर का पंख जरूर लगाकर रखना चाहिए। मोर का एक पंख किसी मंदिर में, यानी कि वो मंदिर भी राधा कृष्ण का होना चाहिए, मूर्ति के मुकुट में 40 दिन के लिए आप लगाएं, उसको मुकुट में उनके स्थापित कर दें। हर रोज शाम को मक्खन और मिश्री का भोग राधा कृष्ण मंदिर में लगाएं, फिर 41वें दिन उसी मोर के पंख को मंदिर से घर ला करके अपने लॉकर में रखें। आप खुद महसूस करेंगे कि घर में सुख शांति और धन की वृद्धि भी हो रही है। नौवां है, काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है वह मोर पंख इस दोष को भी दूर करने की क्षमता रखता है। तो काल सर्प वाले व्यक्ति को अपने तकिए के नीचे, जो तकिए के ऊपर खोली चढ़ाई जाती है, उस खोली के अंदर 7 मोर पंख सोमवार की रात को डालकर रख लेना चाहिए। उस तकिए के ऊपर सर रखकर सोना चाहिए, जिससे कि काल सर्प का जो दोष होता है या सांप के जो जिनको सपने आते हैं या जिनको उल्टा लेटकर ही नींद आती है, ऐसे लोगों के लिए यह मोर पंख बहुत उपयोगी साबित होगा। दसवां है, अगर आप किसी शत्रु से परेशान हैं तो मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक से सिंदूर से मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन जिस शत्रु से आपको पीड़ा हो रही है उस शत्रु का नाम लिख कर अपने घर के मंदिर में रात भर रखें। अगली सुबह उठकर बगैर नहाए उसे चलते हुए यानी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपका शत्रु भी आपसे मित्रता का व्यवहार करने लगेगा। 11वां है, अगर घर में कोई बच्चा जिद्दी हो तो मोर के पंखों से बच्चे को हवा देने से धीरे धीरे उसकी जिद है वह कम होने लगेगी। मोर के पंख को चांदी के ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिर के पास रखने पर बच्चे की जो है नज़र दोष और किसी भी तरह की अला बला से उसकी रक्षा कर सकते हैं। यह था आज के वीडियो में मोर पंख से संबंधित जानकारी, मोर पंख की उपयोगिता हमारे जीवन में कितनी है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कल मैं आपको किसी और नए विषय पर जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।